एक कर्मयोगी, एक जननायक, वंचित शोषित वर्ग की आवाज और गरीबों के मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर जी को समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में दिए उनके योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया है। ये कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि है। एक दूरदर्शी नेता जो देश के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है, उस समय मुख्यमंत्री थे, सत्ता की गादी पर बैठे हुए थे, लेकिन कर्पूरी साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था? इंटरव्यू में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीज, अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार ही नहीं समाज के हर शोषित वंचितों के जननायक थे। 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कर्पूरी जी बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कराने की पहल कर्पूरी जी ने ही की थी। उनका विशाल व्यक्तित्व एवं बड़े राजनेता होने का एहसास गरीबों की आवाज बनने में कभी और कहीं भी बाधक नहीं बना। उन्हें सरल हृदय का राजनेता माना जाता है, जिन्होंने राजनीति को जनसेवा की भावना से जिया। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन।